सरकार की तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं। कई मंत्रियों के ऊपर चाबुक चल सकती है, तलवारें लटकी हैं, विभाग बदले जा सकते हैं। कैबिनेट कमाल अख्तर का यहां पर विभाग बदला जा सकता है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और वहीं गायत्री प्रजापति और राज किशोर सिंह का कुछ ही देर पहले जो है बर्खास्तगी की खबर आई है। तो गायत्री प्रजापति और राज किशोर इनकी बर्खास्तगी की खबर हमने कुछ ही देर पहले आपको दिखाई है, लेकिन वहीं अखिलेश सरकार चुनाव को देखते हुए चाबुक चलाने के मूड में, यानी कि इमेज बिल्ड करने के पूरी तरह से मूड में नजर आ रही है। कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है कैबिनेट कमाल अख्तर का। और कैबिनेट मंत्री हैं कमाल अख्तर, उनका विभाग बदला जा सकता है। और गायत्री प्रजापति और राज किशोर पर कुछ देर पहले ही उन्हें बर्खास्त किया गया है, इस तरह की जानकारी मिली। लेकिन अब विभाग बदलने की भी जानकारी मिल रही है। इसके पहले हमने मुलायम सिंह यादव को भी देखा है पाठशाला लगाते हुए, कार्यकर्ताओं को समझाते हुए, और अब ये एक इमेज बिल्ड करने को लेकर के जानकारी मिल रही है। चुनाव से पहले छवि सुधारने की कोशिश में अखिलेश सरकार की अब तक जिसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं रहा है, या काम अच्छे तरीके से नहीं किया गया, या फिर आरोपों में घिरे रहे हैं, तो या तो उनका विभाग बदल दिया जा रहा है, या फिर अगर कोई जांच की कार्रवाई के अंतर्गत आता है तो उसे बर्खास्त किया जा रहा है पार्टी से। 4.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए विरोधी पार्टियों को एक मौका यहां पर मिला है अखिलेश सरकार के ऊपर निशाना साधने का कि तकरीबन 4.5 साल तक अखिलेश सरकार कहां सोई हुई थी, क्यों उनके तरफ से इस तरह की कार्रवाई जो पहले की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। ये देर से की गई कार्रवाई और चुनावी वक्त में इसका फायदा लेने की कोशिश में है अखिलेश सरकार, इस तरह का निशाना विरोधी पार्टियों की तरफ से साधा जा रहा है। विभाग बदलने की भी जानकारी यहां पर मिल